हुआ जिस चीज का डर था, वाईफाई वाले का फोन आया मार्केट में दे और वाईफाई वाले ये जो है राउटर लेके आ चुका है एयरटेल का, और दिखाना ये। तो गाइस स्पीड चेक कर लो एक बार आप, क्या लगा गाइस मेरे को, ये देखो ये दिख रहा राउटर आपको, ये ऐसे ही छोड़ गए। सो हे गाइस वेलकम टू बैक माय वीडियो, उम्मीद है आपसे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे घर पे ना मतलब बहन के आ रखा था, आप लोग को पता है, और मैं ना एयरटेल का वाईफाई लगवा रहा था यहाँ पे। तो क्या है मोनी एक चीज बता, मतलब एक हफ्ते से हम डिटेल ले रहे थे वाईफाई की, और एक हफ्ते से इसको कॉल मैसेज करके परेशान कर रहा था वाईफाई वाला ना कि लगवा लो ये वो करके। और आज मैंने उसको कॉल करा, भैया फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे मेरा ऑफ है, आज आके मेरा वाईफाई लगा दो। उन्होंने कहा मैं 5-10 मिनट में आपको कॉल करके बता रहा हूँ, 7:12 हो रहे, अब वो आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, चलते हैं मार्केट में खा पी कर आएंगे। आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो, और चिंता मत करो अगर वो आ जाए या कल आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कल भी आता ना तो इसी ब्लॉग में कंटिन्यू रख के मैं दिखाऊंगा एयरटेल का कितना खर्चा आया, प्लान कहता है, फाइबर वाला कनेक्शन है मेरा दिल्ली मतलब गाजियाबाद ये जगह लगती है, इधर मेरा कनेक्शन है पूरा, आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे कैसे लग रहा है, कितने रुपए चार्ज है, कितने एमबीपीएस का प्लान है, बता। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो, भी चलते हैं मार्केट। तो गाइस वही हुआ जिस चीज का डर था, वाईफाई वाले का फोन आया मार्केट में दे, और वाईफाई वाले ने बोला कि भाई आज तो नहीं आ पाऊंगा कल आऊंगा। कोई नहीं कल आएगा, लेकिन इसी वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कितने रुपए खर्चा है क्या है। तो मार्केट में लेकर आया हैंगर कपड़े टांगने के लिए, ये लाया है जग, और ये है ये देखो लंच बॉक्स जो कि मुझे पड़ा 80 रुपए का, जिसके अंदर मैं सब्जी लेकर जाऊंगा, ठीक है सब्जी लेकर जाऊंगा, रोटी अलग से आया मेरे पास। और ये लेकर आया बाल्टी, देख रहे हो बाल्टी, और ये लेकर आया मोमोस जिसे हम खाएंगे। आप वीडियो को लाइक करो, अब बाकी सुबह मिलेंगे और सुबह दिखाएंगे आपको वाईफाई वाले जब आएगा ना वाईफाई का कनेक्शन। तो गाइस वेलकम टू नेक्स्ट डे यार, और गुड मॉर्निंग, 10:48 हो रहा है, बता दो यार कल जो है मतलब जो इस चीज का डरता देखा आपने वही चीज हुई, और सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूँ वाईफाई वाले का, और अभी जो है वाईफाई वाले का फोन आया कर, अभी भी 1.5 घंटा लग जाएगा, सुबह 9:30 बजे की बात हुई थी मेरे से, ठीक है। तो कोई नहीं यार लगवाना तो आई, क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कितनी देर में वो आएगा, और जब तक कुछ खाना पीना खा लेते हैं यार, ठीक है खाना पीना खाते हैं, और वाईफाई वाला आएगा पूरी वीडियो मिलेगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है पूरा कनेक्शन के बारे में डिटेल सब कुछ अच्छे से दूंगा, ठीक है। बस वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना, जब तक खाना पीना खाते देखते हैं बहन क्या बना कर गई है। तो गाइस इसमें है रोटी, यह है आलू चने की सब्जी, तो यार रोटी तो नहीं मैं चावल खाऊंगा, चावल लेते और चलते खाने के लिए। तो गाइस फाइनली वाईफाई वाले जो भैया है आ चुके हैं, और अभी गए ऊपर वायरिंग चेक करने कि कहाँ पे वायरिंग है, और दिखाएंगे पूरा कनेक्शन जब लगेगा। तो गाइस भैया को जो है कनेक्शन की जो वायर थी लगी लगाई मिल गई, यहाँ से कहीं से आ रही थी, ठीक है वो कनेक्शन की वायर खोल लिए, कह रहे इसी को ऊपर ले जाएंगे, इसी से कनेक्शन कर देंगे फाइबर का। ये देखो अच्छी खासी लंबी वायर है, ठीक है ये देखो, देख रहे हैं कि चली जाएगी ऊपर, और ये खड़ी अपनी बुलेट, तो चलते हैं यार ऊपर दिखाएंगे पूरा कनेक्शन आपको। तो गाइस ये जो ये वायर जो आ गई है पुरानी वाली वायर जो मैंने बताया आपको, देख रहे हो ये है फाइबर केबल है, दिखाता हूँ मैं आपको फाइबर केबल कैसी होती है, बिल्कुल पतली थी ये देखो फाइबर। तो इसके अंदर से जो है वायरिंग आएगी, देख सकते हैं सामने आप, वो एसी की जो वेंट्स आ रहे हैं मतलब एसी की जो पाइप्स आ रहे हैं उसके अंदर होल है, पीछे से वायरिंग आएगी। इधर सोच रहा हूँ इधर राउटर को प्लेस कराए, इधर राउटर को प्लेस करा देंगे, और ये बोर्ड इसमें से कनेक्शन दे देंगे राउटर को, बाकी मेरा कंप्यूटर जो है कंप्यूटर मेरा यहाँ रखा हुआ है, ये तो चल जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में घर जाऊँगा तो मेरे घर पर एथरनेट केबल है वो ला के लगा दूंगा, उससे ही चल जाएगा कंप्यूटर जो है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस टाइप की मशीन होती है फाइबर वाली, देख लो आप, इससे फाइबर का जो है कनेक्शन दिया जाता है। तो गाइस देखो फाइबर जो है बिल्कुल कितनी पतली होती है, इसके अंदर एक्चुअली एक लाइट होती है, लाइट फ्लो करती है उससे जो है कनेक्शन आता है लाइट से। तो फाइबर की केबल को जो है बॉक्स के अंदर लगाया जाता है, देख सकते हैं आप लोग यार, तो गाइस देखो किस टाइप से जो है फाइबर की कनेक्शन हम जो है चेक करे जाएंगे कि कनेक्शन जो है पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, कटिंग अच्छा कटिंग होती है, ये देखो गाइस वायर कटिंग करने का जुगाड़ इससे चिपकती है, अच्छा इससे जोड़ते हैं, इससे वायर जोड़ते हैं और इससे कनेक्शन चेक करते हैं इस मशीन से, पावर
पावर चेक करते कि आ रही नहीं आ रही। ये देखो भाई दूसरी वायर भी कट हो गई। फाइनली जो है कनेक्शन देखो, मतलब अब राउटर रह गया है और ये भैया कुछ स्टेप से इसी के ऊपर से वायरिंग सारी ले जा रहा है, ठीक है। और ये जो वायर जो बच रही है इसको गोल रोल बना के इसको बाहर लगा देंगे कि कभी वायर खराब होती है कुछ होती है उधर से ही काट कुट के काम हो जाए, ठीक है। और ये देखो कनेक्शन हो रहा है अपना और थोड़ी देर में भैया आएंगे राउटर लेके। 12:06 हो चुके हैं और थोड़ी देर में हो जाएगा फिर वाईफाई का राउटर लेने गए और कनेक्शन लग जाएगा हमारा। जैसे कि मैंने बताया आपने देखा होगा किस तरीके से फाइबर का कनेक्शन करा जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी थोड़ी वीडियो और बाकी है, पूरा लगने देंगे, पूरा बताएंगे कितना खर्चा आया कनेक्शन का, कितना खर्चा आया, कितने रुपया का प्लान लिया, कितने महीने का प्लान लिया, क्या क्या प्लान है सब बताऊंगा। पता वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लो। और आपको एग्जेटर को लगाना है तो कस्टमर केयर का नंबर भी दे दूंगा, आप जाके उस पर कॉल कर लेना और बोल देना कि भाई न्यू कनेक्शन चाहिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस वाईफाई वाले भैया पे राउटर लेने गया, मैं नींद ना आ जाए। जीजा ने कॉफी बनाई है, कॉफी वॉफी पीते यार, वीडियो को लाइक करो यार। तो गाइस फाइनली भैया जो है राउटर लेके आ चुका है एयरटेल का, और दिखाना ये राउटर तो कुछ इस टाइप का राउटर है एयरटेल का। इसके अंदर ONU की जरूरत नहीं पड़ती, ONU इसके अंदर ही सेट आता है। तो कनेक्शन गाइस ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है, बस माय एयरटेल ऐप डाउनलोड करके, नहीं माय एयरटेल तो नहीं, इसको जो है गूगल पे जाके इसका जो है लॉगिन करना पड़ेगा, गूगल क्रोम पे जाके इसके IP एड्रेस से, क्योंकि इनका ऐप नहीं आता एयरटेल का। तो देखो यार कुछ टाइप से जो है राउटर सेट हो रहा है। वैसे यहाँ कोई इशू भी नहीं है, कोई पासवर्ड वासवर्ड निकालेगा जैसे मेरे के लिए तो इशू था, इसलिए मैंने अलग से राउटर लगा रखा है अपना ऐप वाला। तो मैं आपकी पूरी डिटेल दे दूंगा अभी कितना खर्चा है, क्या क्या है, कनेक्शन का चार्ज क्या है, पूरा बता दूंगा आपको वीडियो के एंड में ना। तो गाइस थोड़ा मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था और भैया जो अभी राउटर को मतलब सेटअप वेटअप कर रहा है, पासवर्ड वासवर्ड रख लेंगे जब तक मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं यार, ठीक है, फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली अपना राउटर वाउटर सब कुछ सेट हो चुका है और करीब करीब मतलब 3500 रुपये का जो है 3538 रुपये का मुझे 6 महीने का रिचार्ज पड़ा है। 200 MBPS का प्लान है और इस ब्रांड की ना बहुत अच्छा ब्रांड है, मेरे को पता है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हर जगह लोकल आपको पता है, लेकिन इधर एक चीज को खास नहीं लगी, वो बताऊंगा आपको क्या खास नहीं लगी। पहले मैं आपको स्पीड चेक करा दे रहा हूँ कि स्पीड कितनी आ रही है, उसके बाद आपको बताऊंगा इसका क्या खास नहीं लगा, ठीक है। बैक कैमरा कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर दो, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लगवा सकते हो, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो तो लग जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली बोर्ड ब्रांड का एक बार स्पीड चेक करा दे रहा हूँ मैं। तो गाइस स्पीड चेक कर लो एक बार आप, ये देखो वैसे 200 MBPS का प्लान है, पर देखो देख रहे हो 200 MBPS से भी स्पीड अभी ज़्यादा आ रही है हमारी। डाउनलोडिंग स्पीड जो है 224 MBPS आ रही है और अपलोड तो आपको वैसे ही पता कम होती है, तो अपलोड हमारी आ रही है 157 के समथिंग, मतलब अभी देख लेते हैं, आन देते यार, ठीक है। ये देखो 190 हमारी अपलोड आ रही है और 224 डाउनलोड आ रही है। सबसे गलत क्या लगा गाइस इसमें, कोई देखो ये दिख रहा है राउटर आपको, ये ऐसे ही छोड़ गए, ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ गए, इतना बेकार सिस्टम लग रहा है ना। मतलब इधर के जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारे वहां तो बिल्कुल ठोक ठाक के बढ़िया एकदम सेटअप बना के जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे जुगाड़ से छुड़ गए यार। तो एग्जैक्टल गाजियाबाद में अपने इस पे थोड़ा ध्यान व्यान दो, ठीक है, टिकरी को चक्री के बाद मैंने लोकेशन में लगाया था, थोड़ा ध्यान दो और इस वीडियो को आप एग्जैक्टल तक शेयर करना ताकि एग्जैक्टल को पता चले कि इनके प्रोवाइडर यहाँ पे कैसे काम करते हैं यार गाजियाबाद में, ठीक है। बाकी कंपनी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन हर जगह लोकल एरिया के लोग होते हैं तो फिर समझ जाएगा कैसे कैसे लोग होते हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं, कनेक्शन बहुत बढ़िया चलता है मुझे पता है, मैं दिल्ली में 8-9 साल से एयरटेल यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ब्रॉडबैंड पे आप भरोसा कर सकते हो। बेल का आइकन ऑन करना ना भूले, क्योंकि हम प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। चैनल पे मिलेंगे किसी प्यार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।